Welcome students. आज हम 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 देखने देखने वाले वाले हैं हैं. जो कि है की की इसके अंदर पहले देखेंगे maths, फिर देखेंगे फिर साइंस और फिर देखेंगे हिंदी तो मैथ्स का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है लाइन्स एंड एंगल्स का आज देखने वाले हैं लाइन्स पैरल टू द सेम लाइन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन नंबर टू समझ नहीं आ रहा है and all that. देखिए वर्कशीट हो जाती है लंबी तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर चैप्टर लाइंस एंड एंगल अच्छे से से स्टार्टिंग से ढंग स्टार्टिंग पढ़ाया जाए अलग से अभी तो टाइम नहीं हो पाएगा हमारे पास कुछ टाइम बाद तो आप अगर बताएंगे तो बच्चों के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंगली हम इसका चैप्टर एक नई सीरीज से नए तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आया तो आइए चलते हैं पहले वर्कशीट की तरफ तो जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं ये बहुत सारी लाइनें यहाँ पर एक दूसरे के क्या है साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज सुने ध्यान से वर्कशीट को सीधा सीधा आंसर पर जंप ना करें पैरल वो लाइनें होती है जैसे रेल की पटरी जिनके बीच में गैप इक्वल होता है जैसे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरल है आपकी कॉपी के नोटबुक के जो लाइन होती हैं वो भी पैरल होती हैं तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक से ज्यादा लाइन पैरल मतलब एक दो तीन देखिए यहाँ पे तीन लाइन पैरल है तो ये जो बीच में से जो लाइन जा रही है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को पास करे तो वो पैरल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ट्रांसवर्सल को अगर पैरल होती है तो कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एंगल वन और ये एंगल टू अगर मैं इन दोनों लाइंस के लिए देखूं तो ये दोनों क्या है आपसे तो रिक्वेस्ट आप करूंगा कि आप ये फिगर बनाए और डी की मदद से एंगल को मेजर करें और चेक करें कि क्या ये इक्वल है अगर है तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अब वन और टू इक्वल है और टू वन और थ्री भी इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टू और थ्री भी इक्वल हो जाएगा जिस वजह से मैं कह सकता हूं Q और R भी पैरेलल हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी का ये जो है वो प्रूफ बताया गया है बस आप ये समझें कि अगर तीन लाइनें पैरेलल हैं तो आप कोई भी दो लेकर आप उसके में वो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं आइए चलते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने एग्जाम्पल नंबर वन है तो इसमें मैं एग्जांपल भी समझाने की कोशिश करूंगा उसके बाद चलेंगे हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ उन्होंने बोला ये दोनों लाइनें पैरल है तो आ, हमें यहाँ पे ये एंगल दे दिया 135 डिग्री और यहाँ पे 40 40 डिग्री दे दिया ये वाला तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन जो है वो पैरल यहां से बना देंगे से, जैसे कि इन्होंने फिगर में बना रखी है तो हम यहाँ से ये, ये और ये लाइन पैरल हो गई तो यहाँ से ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा फोर्टी डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और यहाँ से ये 135 ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा जिसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये चीज जिसकी मदद से हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 45 तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 45 क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं इन्होंने बोला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम इसको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं ये पहली चीज दूसरी ये फोर्टी है तो ये भी फोर्टी हो जाएगा क्यों क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है तो यहाँ से मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा जैसे कि आपको पे दिखाई दे रहा है मैं पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 85 डिग्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तभी ये यह मैंने यहाँ पे कराया है आई चलते हैं जल्दी से हमारे ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं तो इन क्वेश्चन को मैंने नोटबुक में कर दिया है आपके लिए सैंपल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मैंने आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये अगर चैप्टर ही पूरा का पूरा शुरुआत से आप समझना चाहते हैं एंगल्स जोमेट्री के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हम उसके बारे में वीडियो बनाने की एक सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे आई चलते हैं सीधा आंसर की तरफ आई चलते हैं ये हमने फिगर यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पे गिवन लिखना इम्पोर्टेंट है गिवन से हमारा मतलब है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें बतानी जरूरी है क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी पहली इन्फॉर्मेशन थी कि ये दोनों लाइन पैरल है और ये दोनों लाइन पैरल है तो पे देखेंगे यहाँ मैंने मार्क भी कर दिया है ये पैरल का निशान होता है तो इससे पता चलता है कि तीनों लाइनें पैरल है अगर तीनों लाइनें पैरल हैं तो हम कोई भी दो लाइन एक टाइम पे ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज इन्होंने बताई है इनका रेशियो वाई और जेड का जो रेशियो है वो थ्री टू सेवन है जब कोई चीज रेशियो में होती है इसका मतलब वो फैक्टर में होती है मतलब यहाँ पे थ्री इंस टू सेवन दो बच्चों को थ्री सेवन के रेशियो में चॉकलेट बांटी जा रही है तो मतलब y को मिल रही है तीन चॉकलेट उसी समय z को मिल रही है सेवन चॉकलेट अगर इसका मतलब समझो अगर सपोज करो बीस चॉकलेट आती तो वाई को मिलती छह चॉकलेट और जेड को मिलती फोर्टीन चॉकलेट तो इस तरीके से रेशियो चलता है मतलब मल्टीपल में तो मल्टीपल में चलता है तो हम इस हमें तो पता नहीं कि कितने मल्टीपल पे चल रहा है हम इसको ले लेते हैं कोई वेरिएबल यहाँ पे एक्स तो पहले से दे रखा था तो हमने क्या ले लिया ए वेरिएबल ले लिया तो हमने क्या ले लिया वाई की वैल्यू ले ली थ्री इंटू ए जेड की वैल्यू ले ली सेवन इंटू ए आगे हम उन्होंने बोल रहा था कि ए और ई e, पैरेलल ट्रांसवर्सल टी है तो मैंने क्या करा है ये लाइन और ये लाइन ली है और ये वाली लाइन को देखा है तो बीच वाली लाइन को भूल जाओ बीच वाली लाइन को भूल जाओ तो यहाँ पर x और z आप सोचो क्या है क्रॉस है ना तो क्रॉस का मतलब होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से क्या हो जाएगा x और z इक्वल हो जाएगा और z की वैल्यू आपको पता है कितनी है z की वैल्यू है सेवन ए तो मैंने x की वैल्यू इसकी मदद से निकाल ली यहाँ तक समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं ए बी और सी डी पैरल ली है मैंने इस बार आगे देख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों को लिया ए बी और सी डी पैर ले ली तो ये एक्स और वाई दोनों क्या है सेम साइड पे है और अंदर है इंटीरियर तो इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है तो 180 डिग्री लिख दिया यहाँ पर और एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ मिल गई थी हमें सेवन ए और वाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी थ्री ए तो आंसर तो आ गया डिग्री टू सो टेन एक्वल ए की वैल्यू अठारह क्योंकि टेन उधर जाके डिवाइड करेगा इसको तो एटीन डिग्री अब क्वेश्चन ने मांगा था एक्स अगर आपने ऊपर देखा हो तो मैंने एक्स की वैल्यू इसमें निकाल दी एक्स की वैल्यू हो गई वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री आई चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी फिगर थी उसमें ये रेड लाइन नहीं थी ध्यान ठीक है तो मैंने पहले फिगर बनाई और सारी सारी वैल्यू लिख दी यहाँ पे 110 लिख दिया यहाँ पे 130 लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया था फिर मैंने उसको सी लिख दिया तो आ, हमने यहाँ पे गिवन में सारी सारी चीजें लिख दी ये पैनल है तो जैसे कि आपको यहाँ पे कोई कॉर्नर दिखाई दे जाए ना क्वेश्चन में आपने एग्जाम्पल में भी देखा था तो वहां पे हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी तो मैंने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिए तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने ड्रॉ लाइन एक्स वाई देखो मैंने एक्स वाई लाइन बनाई है पैरेलल 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 टू टू एंड एंड अब यहाँ पे आपने देखा होगा PQ ST, बनानी पड़ेगी के बगैर तो हमारी प्रॉपर्टीज तो काम ही नहीं करेंगी पासिंग थ्रू पॉइंट आर तो इस पॉइंट के यहाँ से पास कर रहा है ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ से लाइन बनाती बना तो मैं यहाँ से भी सकता हूँ लेकिन हमें उस पॉइंट से पास करानी है तो ये यहाँ पे मैंने सारी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो मैंने पहले इन दोनों को लिया ये लाइन और ये लाइन अब ये लाइन जो हो गई वो ट्रांसवर्सल हो गई अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो आप ध्यान से देखें 110 और ए दोनों क्या है इंटीरियर को इंटीरियर तो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा दूंगा जिससे मेरे पास क्या जाएगा ए की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई मेरे पास सेवन सिमिलरली मैं आप लूंगा टू तो यहाँ पे एस टी और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई और ये लाइन लूंगा ट्रांसवर्सल क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन यही है तो B और 130 थर्टी क्या आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स जिसकी वजह से B की वैल्यू आ जाएगी पचास तो याँ पे आप देखें पचास की वैल्यू आ गई अगर आप यहाँ पे देखें मैंने बीच वाले को ले लिया C अब ये लाइन X R Y एक सीधी लाइन बन रही है और ए बी सी मिला के उसको 180 डिग्री बना रहा है तो उसी की मदद से हम इसको C को सॉल्व कर देंगे तो आप देखें यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी बन एटी यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज लिखना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई सिक्सटी लेकिन मांगा तो उसने क्यू आर एस था तो क्यू आर एस भी सी ही था तो हमने सीधा उसको लिख दिया देखिए यहाँ पे क्यू आर एस क्या क्यू तो आर तो हो गए हमारे के क्वेश्चन अब हम आगे चलते हैं अपनी साइंस की वर्कशीट की तरफ आगे चलते हैं अब साइंस की वर्कशीट की तरफ वर्कशीट जो की है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट की हम इसके अंदर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई दे दी जा रही है अनियन पील जो प्याज हो गया आपका और चीक सेल जो आपका जो गाल होता है उसके अंदर का जो सेल्स यहाँ पे कौन से हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इमेज कैसी है यहाँ पे बिल्कुल ब्रिक्स जैसा सिस्टम होता है तो अनियन पील के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ब्रिक जैसे होते हैं और चीक के अंदर कुछ इस तरीके के स्कैटर टाइप में होते हैं तो ये ऑब्जर्व करा गया था माइक्रोस्कोप में तो uh, सबसे पहले चीक सेल पे ही डिस्कवरी हुई थी तो इसलिए यहाँ पे चीक सेल बहुत और सॉरी अनियन सेल पे हुई थी अनियन सेल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है आगे चलते हैं जो यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है ये जो काले काले धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस न्यूक्लियस का काम क्या होता है दे हैव अ कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है हल्की सी बाहर की परत से होती है बाहर की थोड़ी सी परत से होती है इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्मॉल पोर्स तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि वो पोर्स से होते हैं परमीएबल होती है कि अंदर से बाहर आने देना चाहती है इसको इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर वाटर इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है एक तरीके से आपका ब्रेन है न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ ब्रेन और वो क्या करता है वो कंट्रोल करता है सारे के सारे फंक्शन जैसे आपका ब्रेन कंट्रोल करता है सारे के सारे फंक्शन उस तरीके से एक सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस के आसपास एक होती है मेमब्रेन जिसको हम uh, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं जो क्या अलाउ करती है खाना उसके लिए बेसिकली सेल्स न्यूक्लियस परफॉर्म मेनी फंक्शन इन द सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक सेल डिविजन मतलब टूटना सेल ग्रोथ प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस ठीक है like division, growth, protein, ये सारे के सारे क्या है इसके फंक्शन है ठीक है अब स्टोरेज ऑफ डीएनए जो आपका डीएनए है वो कहाँ पे पाया जाता है वो भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे डी ऑक्सीबो एसिड दे रखी है जिसको हम जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं मतलब उसका हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है जीन्स है वो हमारी डीएनए के अंदर होती है आर एन राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है ये भी आपका क्या है कहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्या करता है यहाँ पे एंड लिखा है एंड किसके लिए लिखा है प्रोड्यूक्शन ऑफ राइबोजो इन सेल तो राइबोसोम्स को भी ये प्रोड्यूस करता है ये सब आप एट्थ क्लास में नाइन्थ पढ़ चुके हैं डिटेल में आगे बढ़ते हैं क्रोमोजोम्स एंड देयर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या फंक्शन है क्रोमोजोम्स के और क्रोमोजोम्स क्या है देर आर एन इंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन तो ये यह जो यहाँ पर आपको दिखा है चौमिंग जैसी जो ए, इमेज है इसे कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल जो कि विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जो बना होता है डीएनए प्रोटीन हम ये जो क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही है सेल के अंदर ही है तो उसके अंदर तो हम जानना चाहते हैं कि क्रोमोजोम कैसे बनता है ये क्रोम uh, क्रोमेटिन मटीरियल से बनता है और जो जो किससे बना होता है डीएनए और प्रोटीन से बना होता है When सेल division begins, जब सेल टूटना स्टार्ट करता है दिस मटीरियल अलाइन इट द फॉर्म ऑफ कपल ऑफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल क्रोमोजोम जब सेल टूटने लग जाता है तो ये पेयर में इस तरीके से बनने लग जाता है पेयर में तो ऐसे पेयर कितने होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं टोटल में हमारे एक सेल में हमारी बॉडी में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं

किस रेशियो में होते हैं 26 सिक्स पेयर होते ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं 46 इन टोटल नंबर होते हैं द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए एन एंड क्रोमोजोम इज कॉल्ड जीन्स ये क्या करते हैं क्रोमोजोम क्या करते हैं हमारे पेरेंट से हमारे पास तो उनकी जीन्स लेकर आते हैं वो पहनने वाली जीन्स नहीं आपके जो फीचर्स वाली जीन्स आपके आपका रंग क्या होगा वो फादर या मदर के रंग पे डिपेंड करता है आंखों का रंग क्या होगा बालों का स्ट्रक्चर क्या होगा बाल घुंघराले होंगे सीधे होंगे सिल्की होंगे और आपका कई हद तक नेचर भी वो तो आपका बिहेवियरल इश्यू में भी आ जाता है बट जीन्स क्या होते हैं आपकी बॉडी का जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके पेरेंट्स पे मैच कर रहा होता है वो सब कैसे पहुंचता है क्रोमोजोम्स की मदद से पहुंचता है क्रोमोजोम्स किसमें है देखें आपने डीएनए में तो डीएन ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है क्रोमोजोम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन तो क्रोमोजोम क्या करते हैं एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं आप समझ सकते हैं एक तरीके से ये ईमेल है जो कि आपके पेरेंट से आप तक पहुंच जाता है आपको पता भी नहीं चलता ना ही पेरेंट्स को पता चलता है आई चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रिएटिक एंड यूक्रिएटिक नेकलिस तो ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा तो आप थोड़ी देर वेट करें

ये हमने अभी भी पढ़ा था ये देखें पे यहाँ पे लिख देंगे देर आर 46 और 23 थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके अंदर व्हाट आर जीन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सो जीन्स आर द सेक्शन ऑफ डी दैट आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट फंक्शन लाइक मेकिंग प्रोटीन

तो कौन कौन से फंक्शन है बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है न्यूक्लियस के फंक्शन क्या न्यूक्लियस परफॉर्म मेनी फंक्शन सेल लाइक सेल डिविजन सेल ग्रोथ प्रोटीन इंजाइम सिंथेसिस स्टोरेज ऑफ डीएनए स्टोरेज ऑफ डीएनए छोड़ के आप यहाँ तक आप कर सकते हैं इंजाइम सिंथेसिस तक तो ये हो गया आपका लास्ट वाला आंसर भी मैं अब आपको प्रोक्रिएटिक और यू का आंसर भी आपको दिखा देता हूँ तो so, मैंने यहाँ पे इमेज भी दिखा दी है यू और प्रोक्रेटिक की ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में भी आ जाए तो so, मैं इसके डिफरेंस बता देता हूँ ये जो राइट वाला है वो यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इमेज मुझे इस तरीके से मिली नहीं थी तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है so, तो बेसिकली इसमें क्या होता है मेमब्रेन जो होती है वो एबसेंट uh, होती है इसमें और बेसिकली न्यूक्लियस इसमें एबसेंट होता है इसमें प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है बाकी मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा भी एक दो बता दिए ताकि आप अपना uh, आगे के लिए पढ़ सकें सिर्फ वर्कशीट पे ध्यान ना दें बिकॉज एग्जाम में और भी पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे मार्क्स स्कोर करने के लिए तो ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड और ये है न्यूक्लियस तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है इसके अंदर तो अभी साइंस की वर्कशीट में इतना ही आगे चलते हैं अब अपने अपनी हिंदी की वर्कशीट की तरफ तो स्टूडेंट्स अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं जो है कार्यपत्रक नंबर 21 और ये 21 अगस्त की ही वर्कशीट है तो ये जो वर्कशीट है आपने जो पिछली वर्कशीट्स की है उपसर्ग और प्रत्यय पर उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है ये तो उसकी कंटिन्यूएशन में क्यों है ये वर्कशीट क्यों क्योंकि यहाँ पर भी हम नए शब्द बना रहे हैं तो जो नए नए शब्द बनाने की ये जो प्रक्रिया है जिसमें वर्णों को या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो ये जो शब्द होते हैं इनको यौगिक शब्द कहा जाता है यौगिक शब्द इसलिए कहा जाता है क्यों क्योंकि ये इनको जोड़कर इनका योग करने के कारण ये शब्द बनते हैं वर्णों या शब्दों को तो उपसर्ग जो है प्रत्यय जो है संधि है और आज जो हम करने वाले हैं समास तो वो उनके इस इन प्रोसेस से ही यौगिक शब्द बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं तो समास क्या होता है इसको अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो समास का मतलब है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करना ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट करना वही समास कहलाता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द या कुछ पद ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं तो दो तीन शब्दों को जोड़कर या दो या दो से अधिक शब्दों और पदों को जोड़कर जब शब्द बन जाते हैं छोटा जब उन्हें कर दिया जाता है तो ये यहां पर आप नोटिस कीजिएगा अपनी वर्कशीट में संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की ये जो प्रक्रिया है तो जब उन्हें छोटा कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं तो समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्त करन। तो आगे इसमें आपको क्या क्या बताया गया है तो संक्षिप्त करने के लिए छोटा करने के लिए आप क्या करते हैं तो जो दो जो पद हैं पद का मेरा मतलब है फ्रेजेस जो है मतलब कि वो वर्ड नहीं है लेकिन कुछ वर्ड के साथ जुड़ा हुए और भी वर्ड हैं तो उनको पद बोला जाता है शब्दों के एक छोटे से समूह को पद बोला जाता है तो इनके बीच में जो चिन्ह लगते हैं विभक्ति चिन्ह मतलब इन्हें अलग करने वाले चिन्ह परसर्ग चिन्ह या फिर आ, कारक के जो चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने कर्म को तो कर्म आ, वाले जो चिन्ह होते हैं वो को, को हो गया तो के लिए का के की, इस तरह के जो आ, कारक चिन्ह होते हैं तो इन सब को हटा जब दिया जाता है और हटा कर फिर जो शब्द बनते हैं वो समाज समाज से शब्द बनते हैं और समाज के नियमों से जो बने शब्द होते हैं उन्हें सामासिक शब्द कहा जाता है या फिर समस्त पद कहा जाता है तो ये इस पे ध्यान रखिएगा तो तभी क्वेश्चन भी आपको तभी समझ आएगा तो ये जो नए शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है अब चलिए अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ शब्दों का ये समूह है ये पद है अलग अलग जो है रसोई के लिए घर तो अब रसोई के लिए घर देखिए चार शब्दों का ये समूह है अब इसको अगर छोटा करने के लिए हमें बीच के जो विभक्ति और परसर्ग चिन्ह है कौन से हैं विभक्ति और परसर्ग चिन्ह यहाँ पर वो है के लिए के लिए जो है वो रसोई और घर जो है उनको जोड़ रहा है तो ये जो शब्द है के लिए इसको हटा दिया जाएगा और हटाकर नया शब्द बन जाएगा रसोई घर तो देखिए अब ये चार शब्दों की जगह बस एक शब्द बन गया रसोई घर तो अब ये जो शब्द रसोई घर है अंतिम जो शब्द रसोई घर बना ये होगा आपका समस्त पद या फिर उसको सामासिक पद भी कह सकते हैं तो अलग अलग नाम है इसके समस्त पद या सामासिक पद अब संस्कृत जो है संस्कृत के जो समास होते हैं वो दो से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है उसमें तो उसकी उसकी वजह से उनके वाक्य जो है बड़े और कठिन भी लगते हैं जबकि हिंदी में अधिकतर जो है दो पदों का ही समास होता है तो हिंदी में अगर हम ध्यान दे तो अः एक शब्द है तो उसमें दो पद होते हैं तो होता है यहाँ पर पहला पद जिसे पूर्व पद भी कहते हैं और अंतिम पद जिसे उत्तर पद भी कहते हैं तो मैं यहाँ आपको हाईलाइट कर देती हूं एग्जाम्पल के थ्रू तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे तो यहाँ उदाहरण के तौर पर जैसे लिया हुआ है तुलसीकृत ठीक है तो तुलसीकृत जो है ये एक शब्द है ये समस्त पद है तो तुलसी द्वारा कृत तुलसी ने बनाया जिसे बनाया तो तुलसी के द्वारा बनाया गया जो है उसे तुलसी कृत कहा जाएगा तो तुलसी कृत यहाँ पर जो है वो सामासिक पद है या समस्त पद है ये यह यहाँ आपका हाईलाइट किया हुआ है अब उसके बाद उसका अगर संधि विच्छेद किया जाए या उसका ये विग्रह किया जाए तो संधि विच्छेद नहीं कहेंगे सॉरी इसे विग्रह कहेंगे समास विग्रह कहा जाता है इसे ये जो अलग अलग आप करते हैं किसी सामासिक पद को जब आप उसके ओरिजिनल में अलग अलग करते हैं तो उसे सामासिक विग्रह कहा जाता है तो उसमें ये विग्रह करने के बाद जो पहला शब्द आता है उसे कहते हैं शब्द या पद आता है उसे कहते हैं पहला या पूर्व पद तो पहला पद या पूर्व पद तो यहाँ पर तुलसी कृत में हो जाएगा तुलसी पहला या पूर्व पद और जो अंत में होता है उसे कहते हैं अंतिम या उत्तर पद तो यहाँ कृत जो है वो अंतिम या उत्तर पद हो जाएगा अब इन दोनों के बीच में जो इन्हें जोड़ने वाला शब्द है जो चिन्ह है उसे कहेंगे विभक्ति या परसर्ग या कारक चिन्ह तो यहाँ पर द्वारा है तो के द्वारा जो है वो कारक है तो यहाँ पर ये यह कारक चिन्ह बन जाता है उम्मीद करते हैं आपको ये इतना यहाँ तक समझ आ गया होगा समास किसे कहते हैं अब चलते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं तो समास के जो है छह प्रकार होते हैं तो एक एक करके इनको भी जल्दी से देख लेते हैं तो समास का जो पहला प्रकार है वो है अव्ययी भाव प्र समास तो अव्ययी भाव समास का जो मतलब है उसका मतलब ये होता है कि इस समास में जो पहला पद होता है जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है मतलब कि वो इंपॉर्टेंट होता है उसी से जो है आपका मीनिंग डिसाइड होता है और जनरली ये जो पहला पद होता है ये उपसर्ग होता है आपने ऑलरेडी उपसर्ग पे वर्कशीट की हुई है तो अगर आपको समझना है उपसर्ग क्या होता है आप पहली वर्कशीट में जाकर देख सकते हैं तो ये जो है अब इसमें जो पहला पद है जैसा मैंने आपको कहा जो पहले आता है वो होता है यहाँ उपसर्ग और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो प्रधान होता है वो मेन होता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए वो क्या क्या हो सकते हैं वो अ आ अनु प्रति हर भर नी, निर यथा यावत इस तरह के जो है वो उपसर्ग जो है अव्ययी भाव समास में यूज होते हैं और उन्हीं की वजह से शब्द का मतलब भी बदल जाता है तो इसीलिए ये बहुत मेन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब जिनका दो बार प्रयोग किया जाता है जैसे कि घर घर बारी बारी तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका दो बार प्रयोग किया जाता है उनको भी अव्ययी भाव कहा जाता है अव्ययी भाव समास कहा जाता है जिसका मतलब हो गया जैसे प्रत्येक घर तो यहां पर आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उदाहरण दिए हैं जैसे आजन्म जिसका मतलब है जन्म पर्यंत मतलब पूरे जन्म यथावधि जिसका मतलब अवधि के अनुसार यथाक्रम जिसका मतलब है क्रम के अनुसार तो आप यहाँ देखिए ये आजन में आ यथावधि में यथा यथाक्रम में यथा ये जो है ये पूर्व पद है और ये मेन है ये प्रधान है तो अब इस अव्ययी भाव समास के बाद अगले पे चलते हैं ये है आपका तत्पुरुष समास तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास ये तो बहुत ही इजी सा है क्यों क्योंकि अगर आपने कारक अच्छे से पढ़ा है तो ये भी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है तो इस समाज में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है उत्तर पद जो है अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है वो मेन होता है और इसमें विभक्ति और कारक चिन्ह का जो लिंग वचन जो है वो दूसरे पद के अनुसार ही लगता है तो बीच में जो भी आप ये आ, लगाएंगे कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह जो भी लगाएंगे आप वो दूसरे पद के हिसाब से ही आप लगाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अव्ययी भाव में क्योंकि पहला पद प्रधान होता है इंपॉर्टेंट होता है तो वो मीनिंग यहाँ पर बदलता है मीनिंग को मेन कर देता है वहीं तत्पुरुष समास में क्योंकि दूसरा पद प्रधान होता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कारक चिन्ह लगाते हैं तो इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ पहले तो जैसे विद्यालय तो विद्यालय में आल्य बहुत इंपॉर्टेंट है तो विद्या के लिए आल्य राजपुत्र राजा का पुत्र राजा का कौन राजा का पुत्र मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो बाद के वर्ड है आल्य पुत्र तोड़ ये जो है ये यहाँ पर मेन है क्योंकि वो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है अब एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रही थी कि कारक आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वो है कि यहाँ कारक चिन्ह का जो प्रयोग होता है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आ, इसको बता सकते हैं कि कौन सा वाला तत्पुरुष समाज है तो कारक क्या होता है फटाफट अगर रिवाइज मैं करूं तो तो कारक है जैसे कि कर्म करण संप्रदान अपादान अपनी ये टेबल जरूर याद की होगी कर्ता ने कर्म से कर्म को तो इस तरह से जो है ये वाली जो टेबल है ये जो है ये चीज़ें ये कारक हैं क्योंकि ये बताती हैं दो शब्दों के बीच का रिलेशनशिप क्या है तो इसी के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं मतलब कि सब पार्ट्स भी हो जाते हैं तो जैसे कि अगर यहां पर यूज किया गया है कि राजा का पुत्र तो ये संबंध तत्पुरुष समास है क्योंकि ये संबंध दिखा रहा है तो वहीं अगर ये मुंह को तोड़ने वाला तो ये जो है कर्म तत्पुरुष समास है क्योंकि ये को को इसने यूज किया है कर्ता ने कर्म को तो क्या हो रहा है ये तो इसलिए यहाँ पर ये जो है कर्म तत्पुरुष समास है अब आगे चलते हैं आपके अगले समास पर वो है आपका कर्म धार्य समास तो इधर अगर आप देखेंगे ये जो थर्ड बताया हुआ है वो है कर्म धार्य तो इसमें जो है समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है तो इसमें जो पूरे सारे ही जो पद होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें लिंग वचन ये भी समान होता है इस समास में जो पहला पद है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद है वो विशेष्य होता है जिसका मतलब ये है कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है आप घबराइए नहीं अगर ये बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं तो जैसे ही आप उदाहरण देखेंगे आप इसे इजीली समझ जाएंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है टॉपिक लेकिन एक बार अगर आपको समझ आ गया ये बहुत ही यूजफुल है और इससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल भी है ये अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो तो ये जो है यहाँ पर विशेषण पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है इसका मतलब कि वो दूसरे पद की विशेषता बताता है क्योंकि दूसरा पद जो है वो विशेष है तो इंग्लिश में अगर मैं बोलू तो पहला पद जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और दूसरा पद जो होता है वो उसकी क्वालिटी बता रहा होता है तो कहीं कहीं उपमय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है जैसे कि चरण कमल जो है वो चरण रूपी कम कमल बन जाता है तो इस समाज से व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है तो जब आप किसी की विशेषता बता रहे होते हैं तब आप कर्मधारय समास उसे बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह करेंगे मतलब कि अलग अलग जब करते हैं जब एक समासिक पद को तो जो शब्द बीच में आएगा जो चिन्ह बीच में आएगा वो ज्यादातर वो रूपी शब्द बड़ा आता है तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है चरण रूपी कमल मतलब की जो उनके चरण है वो कमल के जैसे हैं तो उनका रूप जो है वो कमल के जैसा है तो यहां आपको और भी उदाहरण दिए हुए हैं इधर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो तो इस उदाहरण में है नील कमल नीला जो कमल फिर है चंद्रमुख, चंद्रमा के सामान मुख वाला तो देख सकते हैं आप कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है चंद्र भी इंपॉर्टेंट है मुख भी इम्पोर्टेंट है और चंद्र जो है वो विशेषण है क्योंकि वो यहाँ बता रहा है विशेषता किसकी मुख की मतलब फेस की विशेषता क्वालिटी वो बता रहा है आगे चलते हैं आपके चौथे समास पर अभी जो चौथा समास है आपका बहुत ही ईजी है बहुत ही सिंपल सा है और इंटरेस्टिंग है क्यों क्योंकि ये है द्विगु समास तो द्विगु समाज जो है यहाँ पर इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये संख्यावाचक होता है मतलब कि जो पहला पद है वो कोई ना कोई संख्या होगी और कभी कभी जो है दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है तो जब इसको आप विग्रह करते हैं इन सामासिक पद पद को तो ये विग्रह करने पे समूह या समाहार का बोध होता है तो आपको ये फीलिंग आती है कि ये तो एक ग्रुप की बात हो रही है तो एग्जाम्पल के तौर में चौराहा चार राहों का समूह तो जब चार राहों की बात की जाती है चार रास्तों की बात की जाती है और उनको तो उनका जो ग्रुप बताया जाता है उसे चौराहा कहते हैं और नवग्रह नौ ग्रहों का समूह तो वो नवग्रह कहलाएगा तो आप ये देखिए जो पहला शब्द जो है इसमें वो पहला पद जो है यहाँ वो कोई संख्या बता रहा है कोई नंबर बता रहा है दो नव चौ तो चार दो नौ इस तरह से जो है ये संख्या बता रहा है तो इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है द्विगु समास को आ, इसमें जो है किसी एक नए अर्थ का बोध नहीं होता है जैसा कि बहुव्रीही समास में होता है अब क्या होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही बताती हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है द्विगु समास उम्मीद करती हैं समझ आ गया होगा आपको अब चलते हैं आपके जो पांचवा प्रकार है यहां पर तो पांचवा प्रकार आपका है द्वंद्व समास तो द्वंद्व समास क्या होता है ये होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं पहली बात तो ये है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं तो ये भी इजी है द्वंद्व समाज भी तो जो दोनों पद इंपॉर्टेंट भी होते हैं और साथ ही साथ ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। या तो ऑपोजिट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे विलोम मैं इसे नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजों की बात करता है कि मतलब एक दूसरे को पूरा करता हुआ तो एक तरह से पूरक होते हैं ये एक दूसरे के तो इसका विग्रह करने पे आपको ऐसा फील होगा कि जब मैं इसको अलग करूंगा इस सामासिक पद को तो बीच पे मैं और जोड़ना चाहूंगा या या जोड़ना चाहूंगा या तथा जोड़ना चाहूंगा तो ये जो है ये या और और जो तथा जो शब्द है इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है तो चलिए द्वंद्व समास के जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो एग्जाम्पल ये बहुत ही सिंपल है तो द्विगु समास और द्वंद्व समास जो है बहुत ही सिंपल होता है बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इनके नामों को कंफ्यूज मत कीजिएगा तो द्विगु से आप याद कर सकते हैं कि द्विगु में भी दो की बात हो रही है तो इसीलिए जो है ये नंबर को आ, रेफर करता है लेकिन द्वंद द्वंद का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपस में एक तरह से आ, फाइट चल रही है या कॉम्प्लीमेंटरिटी चल रही है तो इसीलिए जो है द्वंद समाज जो है वो दो कॉम्प्लीमेंट पदों के बारे में यूज होता है एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ठंडा गरम या सीताराम खरा खोटा अन्न जल माता पिता दिन रात तो ये जो शब्द हैं ये द्वंद समास होते हैं तो इनको जो है जब आप अलग करते हैं इनको विग्रह जब करते हैं तो बीच में आ जाता है और या 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 तथा तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं योजक शब्द जिन्हें कहा जाता है तो सीता राम बन जाता है सीता और राम खरा खोटा बन जाता है खरा या खोटा अन्न जल बन जाता है अन्न और जल अब चलते हैं आपके लास्ट जो अः टाइप है आपका लास्ट जो टाइप यहाँ पर दिया हुआ है वो है बहुव्रीही समास तो बहुव्रीही समास आपका क्या कहता है वो ये कहता है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है क्यों क्योंकि दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या किसी अन्य पद का जो जो निर्माण करते हैं उसकी प्रधानता होती है तो इसमें कोई भी पद इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि जो नया शब्द बनता है दो पदों के मिलने से उसमें जो नया शब्द जो है वो मेन होता है वो इसलिए मेन होता है क्योंकि वो जो नया शब्द है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है एक खास मतलब होता है और वो जो शब्द है वो कॉमनली यूज होता है किसी खास इंसान के लिए या खास जगह के लिए तो वो मतलब उस नाम से वो जाना जाता है जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आपको समझ आ जाएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बहुव्रीहि समाज को देखा जाए तो यहां पर है जैसे दशानन जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ दशानन कौन आता है आपके दिमाग में जी हाँ रावण तो रावण जो है क्योंकि वो दस सिर वाला था दस है आनंद जिसके मतलब कि दस है मुख जिसके फेस जो है उसके दस थे तो इसीलिए उसे दशानन भी कहा गया तो क्योंकि ये शब्द जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज होता है इसीलिए ये बहुव्रीही समाज है इसीलिए मैंने बोला कि ये द्विगु समाज से अलग है क्यों क्योंकि देखो दस तो इसमें भी है नंबर तो इसमें भी है लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज हो रहा है इसका एक नया अर्थ बन रहा है इसीलिए बहुव्रीहि समास होगा और द्विगु समास नहीं होगा ऐसे ही एक और है जैसे नीलकंठ नीला है कंठ जिसका तो जिसका जो गला है वो नीला है तो किसका गला नीला होता है कौन नीलकंठ कहलाता है जी हाँ शिव तो शिव क्योंकि नीलकंठ शब्द जो है वो शिव को डिनोट करता है इसीलिए ये बहुव्रीही समास है इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुव्रीही समास के जैसे कि लंबोदर लंबा है उधर जिसका वो गणेश जी के लिए यूज होता है पीतांबर ये यूज होता है कृष्ण जी के लिए पीले हैं वस्त्र जिसके या मुरलीधर ये भी कृष्ण जी के लिए यूज होता है तो इस तरह के जो शब्द हैं ये बहुव्रीही समास होते हैं अब ये टाइप्स करने के बाद जल्दी से आपका जो प्रश्न है वो देख लेते हैं तो आपका पहला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न है कि आपको समस्त पद दिए हुए हैं और इनका आपको समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है तो मैं जल्दी से यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ ये कौन कौन से शब्द हैं और उनका कैसे समास विग्रह आप करेंगे और फिर इनका क्या आप यहाँ पर समास का नाम लिखेंगे तो पहले यहाँ पर आपको दिए गए जो समस्त पद हैं वो है माता पिता आशुतोष दाल रोटी राजपुत्र पंच तत्व लंबोदर और भरपेट तो जब इनका आप विग्रह करते हैं तो आपके पास आता है माता और पिता आशुतोष मतलब कि इजीली संतुष्ट हो जाने वाला आसानी से संतुष्ट हो जाने वाला जल्दी संतुष्ट हो जाने वाला दाल रोटी बन जाता है दाल और रोटी राजपुत्र बन जाता है राजा का पुत्र पंच तत्व बन जाता है पा, पांच तत्वों का समूह लंबोदर बन जाता है लंबा है उधर जिसका भरपेट बन जाता है पेट भर कर तो आप भी इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये समाज कौन से है और फिर यहाँ पर जो उत्तर है आप उनसे चेक कीजिए अब चलते हैं आपके प्रश्न दो पर तो प्रश्न दो आपका कहता है निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए तो आपको यहाँ पर समास विग्रह दिए हुए हैं पहले से ही और इनको आपको जोड़कर समस्त पद बनाना है और फिर जो बनता है समस्त पद उसका आपको टाइप लिखना है नाम लिखना है तो यहाँ लिखा है नौ रात्रियों का समूह शक्ति के अनुसार देश के लिए भक्ति दो सुतों का समूह रथ को चलाने वाला और धन से हीन तो ये बहुत ही इजी आप बना सकते हैं नवरात्रि यथाशक्ति देशभक्ति दुसुती रथ रथ चालक धनहीन और ये कौन से सम, आ, समस्त पद हैं इनका भी नाम आप लिख सकते हैं और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसे जरूर अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कीजिए ताकि उन्हें भी इजीली ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए आज के लिए इतना ही है हम फिर अगली वर्कशीट में आपसे मिलते हैं थैंक यू